नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ब्रांड न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जनपद में बाढ़ की भयावह स्थिति के दौरान भोगनीपुर विधानसभा 208 से सपा से विधायक पद के उम्मीदवारों का बाढ़ पीड़ितों के बीच दौरा शुरू हो गया है और गांव वालों को हर संभव मदद करने का आश्वासन देते हुए बाढ़ ग्रस्त गांवों का दौरा भी करने में लगे हैं। लेकिन सपा के कुछ उम्मीदवारों का आश्वासन सिर्फ गांव के लोगों को ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। आपको बताते चले कि भोगनीपुर विधानसभा 208 से सपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरुण यादव उर्फ बबलू राजा जनपद में बाढ़ त्रासदी से जूझ रहे दर्जनों गांव में मसीहा बनकर अपने सिपाहियों के साथ मैदान में उतरे हुए हैं, जहां शासन प्रशासन की मदद भी बाढ़ पीड़ितों को कम पड़ती नजर आ रही है। वहीं सपा से विधायक पद के कर्मठ ईमानदार जुझारू प्रत्याशी अरुण यादव उर्फ बबलू राजा अपने सपा के सिपाहियों के साथ मिलकर दर्जनों गांवों का नाव से प्रतिदिन भ्रमण करते हुए अपनी देखरेख में बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वे लगातार बाढ़ पीड़ितों के लिए कई तरह के भोजन व्यंजन बनवाते हुए हर संभव मदद करने में लगे हुए हैं। उनका सिर्फ एक ही नारा है, जब तक बाढ़ पीड़ितों के घर के चूल्हों से पानी नहीं चला जाता तब तक समाजवादी सिपाही हमारे नेतृत्व में बांध त्रासदी झेल रहे लोगों की मदद करते रहेंगे। आपको बता दें कि भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के मूसा नगर के तलहटी में बसे करीब दर्जन भर गाँव भयावह बाढ़ की चपेट में त्रस्त हैं। वहीं अरुण यादव अपने सिपाहियों के साथ मुसरिया गांव में समाजवादी भंडारे का आयोजन करते हुए सैकड़ों लोगों को प्रतिदिन भोजन कराने में लगे हुए हैं। यहां तक कि वह ग्रामीण क्षेत्रों की माताएं बहनों और बुजुर्गों को अपने हाथों से भोजन कराते हुए नजर आ रहे हैं। जब इस संबंध में ग्रामीणों से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि बाढ़ की परेशानी के समय शासन प्रशासन के द्वारा दी जा रही खाद्य सामग्री पूरी नहीं हो रही। वहीं हमारे भोगनीपुर क्षेत्र के सपा से विधायक पद के उम्मीदवार पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरुण यादव बबलू राजा फरिश्ता बनकर हम लोगों के बीच प्रतिदिन आते हुए हम लोगों की समस्या का समाधान करने में लगे हुए हैं। आपको बताते चलें कि मूसा नगर क्षेत्र के मुसरिया गांव में समाजवादी भंडारे का चौथा दिन है, जहां अभी तक सैकड़ों लोगों ने भोजन किया हुआ है। वहीं दूसरी ओर भोगनीपुर विधानसभा से सपा से कुछ और उम्मीदवार हैं, जो कि बाढ़ग्रस्त एरिया में जाकर नौका विहार करते हुए जनता की समस्या पूछ तो रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी तरीके की मदद नहीं की जा रही है।